बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। बात कर लेते हैं बदलापुर में जो एनकाउंटर किया गया, आपको बता दें एनकाउंटर के बाद से लगातार एक तरफ राजनीति चल रही है उस पूरे मामले पर, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि जो आरोपी था जिसका एनकाउंटर किया गया अक्षय शिंदे, उसके पिता अब हाईकोर्ट पहुंच गए, बॉम्बे हाईकोर्ट। और साफ तौर पर देखिए परिवार वाले कल से ही कह रहे थे कि बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट अब से कुछ ही देर में आपको बता दें इस पूरे मामले पर अर्जेंट हियरिंग करने वाला है। और हमारे सहयोगी नीलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये हियरिंग कब शुरू होने वाली है? हालांकि कल से ही अगर देखा जाए तो एक तरफ राजनीति जो है वो तेज है, दूसरी तरफ अक्षय के जो माता पिता हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर नहीं कोई बड़ी साजिश की तरफ वो इशारा कर रहे थे। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले से बता दें कि इसकी जो सुनवाई है आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी थी और इसकी जो शुरुआत है वो हो चली है। दो जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, जस्टिस रेवती देरे और जस्टिस पृथ्वीराज जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई करते हुए जो परिवार के वकील हैं यानी जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा दावा किया गया कि जो पूरा मामला है वो एक फर्जी एनकाउंटर का मामला है, क्योंकि जिस दिन यह एनकाउंटर घटित होता है यानी कि सोमवार की शाम करीबन 5 से 6 के बीच में, तो उससे पहले महज कुछ घंटे पहले जो परिवार के सदस्य हैं, उनके माता हैं, पिता हैं, उनके चाचा हैं, उन्होंने आरोपी से मुलाकात की थी तलोजा जेल में। वहां उनसे उसका हालचाल जाना था और उसे उन्हें पता चला था कि वो एकदम कहें कि मेंटल स्टेट में बिल्कुल नहीं था कि इस तरह की किसी घटना को अंजाम दे। वकील ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे आरोपी ने अपने माता पिता से पैसे की मांग की थी, क्योंकि वो जेल में रहते हुए जो कैंटीन का भोजन है उसे खाना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। ऐसे में इन सभी परिप्रेक्ष्य में इस तरीके का कदम आरोपी उठाएगा इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। पिटिशनर इस बात पर जोर दिया कि कैसे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के तहत जो कार्रवाई है उसके तहत सजा आरोपियों को मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया है उससे लगता है कि बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। जो पुलिस है वो खुद ही पूरी कार्रवाई अपने बलबूते कर रही है। इस दरमियान जो पिटिशनर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के कुछ पोस्टर बैनर भी जस्टिस रेवती के सामने रखे और बताया कि कैसे इसे पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इस मुद्दे पर जस्टिस रेवती द्वारा कहा गया कि आप बिल्कुल नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले पर अर्जेंट हियरिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नीलेश, अपनी नजर इस पर बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट है वो दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस बड़ी खबर से आगे